तेरा क्या होगा लवली, ये कॉमेडी मूवी है और इसमें जो स्टार कास्ट है बहुत ही अच्छी है। राजिंदर गुप्ता जी हैं, पवन मल्होत्रा हैं, रणदीप हुड्डा, इलियाना जी हैं और साथ में मैं भी हूँ। बहुत कॉमेडी है, बड़ी अट्रैक्टिव मूवी है ये। आठ तारीख को एक नई मूवी तेरा क्या होगा लवली रिलीज होने जा रही है और उसमें हमारी जम्मू की एक्ट्रेस शमी मल्होत्रा भी नजर आने वाली हैं। शमी मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। इस मूवी के बारे में हम थोड़ा सा आपको इसकी पहले तो पोस्टर दिखा देते हैं। इसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है और इसमें जो स्टार कास्ट है, रणदीप हुड्डा हैं, अलीना डिक्रूज हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे एक्टर जो हैं वो इस मूवी में दिखने वाले हैं और उसमें हमारी जम्मू की बेटी शम्मी मल्होत्रा भी इस मूवी में दिखने वाली हैं। तो इनसे चर्चा करेंगे, इनसे जानेंगे कि किस तरह का ये सफ़र रहा। इससे पहले भी ये कुछ मूवीज़ में दिख चुकी हैं और जम्मू का नाम रोशन कर चुकी हैं। अच्छा शमी जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस मूवी में आपका क्या रोल है, किस तरह से आप लोगों को इस बार दिखने वाले? दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मूवी वुमेन्स डे 8 मार्च को रिलीज हो रही है, तेरा क्या होगा लवली, ये कॉमेडी मूवी है और इसमें जो स्टार कास्ट है बहुत ही अच्छी है। राजिंदर गुप्ता जी हैं, पवन मल्होत्रा हैं, रणदीप हुड्डा, इलियाना जी हैं और साथ में मैं भी हूँ। ये एक फैमिली स्टोरी है। अच्छा, तो उसमें जैसे आजकल का जो है ना कि खूबसूरती को, मतलब जो दुनिया कहती है ना ये लड़की बहुत खूबसूरत है, तो खूबसूरत किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं गोरे रंग को। जो आजकल बोलते हैं जिसका डार्क कलर हो, व्हाइटिश हो, थोड़ा ऐसा हो, तो उसमें नहीं, ये खूबसूरत ज्यादा नहीं है। वो उस चीज के ऊपर स्टोरी बनी हुई है कि लड़की अगर सांवली है तो रिश्ते आते हैं नहीं आते हैं, इस चीज पे हो। बहुत कॉमेडी है, बड़ी अट्रैक्टिव मूवी है ये। अच्छा, तो ये मूवी आपको कैसे मिल गई? आप ऑडिशन देने गए थे मुंबई में कि आपको कॉल आया या यहाँ से आपने ऑडिशन भेजा था? एक्चुअली क्या है दीपक जी, मैं बचपन से ही इसी लाइन में हूँ। अच्छा, मैं जम्मू दूरदर्शन नहीं हुआ करता था, मैं श्रीनगर दूरदर्शन में तब मैं 7th क्लास से स्टार्ट किया था मैंने, तब मैं बच्चों के प्रोग्राम से मैंने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद एंकरिंग स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे जम्मू दूरदर्शन में सीरियल्स बनने शुरू हो गए। पहला सीरियल था ये, मुझे नाम भूल गया है, लगभग कितने साल पुरानी बात है ये? मेरे ख्याल से 25-26 साल हो गए इस बात को, 26 से भी ज्यादा ही हो गए। अच्छा, तो मैंने मेरे ख्याल से 200-250 सीरियल ही कर दिए हुए हैं। अच्छा जी जी, तो इसके साथ साथ फिर मैं बॉम्बे चली गई। जब बॉम्बे गई, कलर्स टीवी, स्टार प्लस के लिए उनके शोज किए, फिर मैंने वीर मूवी की सलमान खान के साथ में, उसके साथ मैंने साउथ की मूवीज भी की, डबिंग की, और इनके साथ मैंने पंजाबी मूवीज भी की, चक जवाना, सुखमनी, वो दोनों हैं इनके साथ में, गुरदास मान जी के साथ, जूही चावला, दिव्या दत्ता, इन सब के साथ में काम किया। ये समझो मेरा ये दारोमदार चलता ही रहा। साथ साथ में मैंने जम्मू की डोगरी मूवीज में भी काम किया, फिर एक और मुझे चंक मिल गया मूवी का, हिंदी मूवी की मैंने ये, इसके साथ में मतलब काफी सारे शोज किए, अब मुझे नाम भी भूलते जा रहे हैं। अच्छा, तो ये मूवी की मैंने, उन्होंने ही कॉल किया कि मूवी हम करना चाहते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें ऑडिशन बना के भेज दो। मैंने ऑडिशन दे दिया, मतलब बना के यहाँ से ही, एक बार चेहरा प्रसिद्ध हो जाए तो सोएंगे प्रोडक्शन हाउस वाले। जी 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 बिल्कुल, उनको आपकी डेडिकेशन, आपका काम पसंद आना चाहिए। सबसे ज्यादा है कि आपका काम और बिहेवियर, अगर अपना एटीट्यूड ही दिखाते रहोगे तो कहेंगे कि बेशक जितना अच्छा आर्टिस्ट होगा घर में बैठो, कहीं और ट्राई करो। एटीट्यूड में, एटीट्यूड बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एकदम डाउन टू अर्थ। जो हमारी टीम थी अभी, ये जो हमने तेरा क्या होगा लवली, ये हमारी एक फैमिली है,
मैं जो हीरोइन है इलियाना, मैं उसकी ताई दिखाई हुई हूँ। अच्छा। हाँ, तो राजेंद्र गुप्ता जी मेरे ऑपोजिट में हैं, मेरे हस्बैंड दिखाए हुए हैं, पवन मल्होत्रा मेरे देवर दिखाए हुए हैं, श्रुति गुल्फत है वो मेरी देवरानी है। अच्छा। तो बड़ी अच्छी ये हमारी फैमिली स्टोरी बनी हुई है, बहुत ही अच्छी। तो ऐसा लगता था जैसे सचमुच की हमारी फैमिली है ये। मतलब व्यवहार भी सेट के ऊपर पूरा हमने इतना रिलैक्स होके ये काम किया कि लगता ही नहीं था। मैं थोड़ा सा पहले हेजिटेट होती थी कि थोड़ा पीछे पीछे रहना, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट है ये, तो मैं एक छोटी शहर से गई हुई, तो इन सब ने मुझे ऐसे मिक्स किया कि नहीं हमारी फैमिली हो ना आप, तो आप साइड पे क्यों बैठते हो, आप हमारे बीच में बैठो। डिस्कशंस होनी, गप्पे लगनी, मतलब बड़ा इंजॉय। लगा ही नहीं कि मैं कहीं बहुत बड़े सेटअप में हूँ तो मुझे थोड़ा सा वो हेजिटेट होगा, नहीं इन्होंने करने ही नहीं दिया। तो मतलब ये मूवी जो है वो मजेदार होने वाली है। मजेदार मजेदार, बहुत इंटरेस्टेड, और ये इसमें कॉमेडी बड़ी है। अच्छा। बहुत कॉमेडी है इसमें, तो आप इंजॉय करोगे ये देख के। लोगों से आप अपील करना चाहोगे? मैं बिल्कुल, मैं यही कहूंगी कि बड़ी जद्दोजहद से लोग बनाते हैं ये मूवी, हमने देखा है कितना स्ट्रगल होता है, कितनी मेहनत होती है, डे नाइट। इस मूवी में भी नाइट्स बहुत लगी हुई हैं और बहुत सर्दी थी जब हमने ये मूवी की। तो आप लोगों को मूवीज जरूर देखनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि इसका इस काम को सराहना चाहिए। इसका अंत में मैं ये जानना चाह रहा हूं, सेट कहां लगा? जम्मू में भी कोई शूट? नहीं नहीं नहीं, ये हमारा लगा था क्या नाम है, करनाल में। करनाल, करनाल में। अच्छा। हाँ, सारा शूट वहीं, सारा शूट वहीं पे हुआ था करनाल में। को साल एक में ही शूट हो गया कि समय लगा? नहीं जी, ये हमारे शिफ्टिंग हुई थी, पहले 2 महीने लगातार हम शूट करते रहे, फिर कोविड आ गया। अच्छा। गैप आ गया काफी, तो हमारी शूटिंग चलते चलते ही बीच में रुक गई कि नहीं जी कल से सब अपने अपने घर जा रहे हैं। सब हैरान हो गए कि क्या हो गया, कहते नहीं जी अनाउंसमेंट होगी कि ऐसे कोविड कुछ, तब हमें पता ही नहीं था कि कोविड क्या चीज है, तो ये ऐसे ऐसे आया है। तो हमने सोचा 10-12 दिन के लिए हुआ होगा, फिर डिले होता, बंद होता गया गया गया, तो फिर उसके बाद में 1.5-2 महीने के बाद फिर से हमने स्टार्ट किया। तो जो इस मूवी में जो हमारा मेरा जो काम था, 2.5 से 3 महीने लग गए थे। अच्छा, काम के लिए 2-2.5 महीने। चलो शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू सो मच, आपका भी। हम तो चाहेंगे कि आप अपने जम्मू के जितने भी एक्टर हैं, वैसे तो आप सपोर्ट करते ही हैं, इनको भी सपोर्ट करें, और ये मूवी 8 मार्च को रिलीज हो रही है, तो जरूर देखने जाएं और इस पर अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।